ओहो, बहुत अच्छे। बहुत लाजवाब। हाय दोस्तों, चलिए आज आपको ले चलते हैं जायके की तलाश में जाकिर नगर बाटला हाउस, जहां पर आपको दो बेहतरीन जायके से रूबरू कराएंगे। और हम निकल चुके हैं अपने घर से। घर से निकलते सबसे पहले हमें ये रेलवे फाटक नागलोई का क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद नागलोई ब्रिज के ऊपर चढ़ जाएंगे और सीधा पीरागढ़ी पहुँचेंगे। जैसे ही पीरागढ़ी हमारा क्रॉस होगा तो आएगा आपका पंजाबी बाग। पंजाबी बाग में आपको याद रखना है कि ये जो अंडरपास है इसके ऊपर से राइट जाना है टूवर्ड्स राजौरी गार्डन या कैंट की तरफ। फिर दिल्ली कैंट आएगा, उसके बाद धौला कुआं के बाद आएगा एम्स की गोल चक्कर जो होती है वो आएगी, उसके बाद आएगा मूलचंद ब्रिज। उसको क्रॉस करिएगा तो आश्रम का ब्रिज आ जाएगा। देखिए, आश्रम का ब्रिज आपको क्रॉस नहीं करना है, उसके नीचे से राइट लेना है टूवर्ड्स फरीदाबाद। जैसे ही फरीदाबाद में थोड़ा आगे बढ़िएगा तो लेफ्ट साइड में आपको जामिया यूनिवर्सिटी का लेफ्ट दिखेगा, आप उसको उस लेफ्ट पे जाना है। जैसे ही उस लेफ्ट पे थोड़ा आगे बढ़िएगा तो आपको जामिया की यूनिवर्सिटी दिखने लगेगी। वो जैसी ख़त्म होगी तो आ जाएगा जामिया का मेट्रो स्टेशन। जो भी लोग गाड़ी से या बाइक से नहीं आ रहे तो प्लीज़ वो जामिया का मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, वहाँ से उतर के आप जा सकते हैं। जामिया के मेट्रो के बाद जैसे ही जामिया का मेट्रो स्टेशन ख़त्म होगा, लेफ्ट साइड में आपको रोड दिखेगा जो जाकिर नगर की मार्केट के अंदर जा रहा है। इस मार्केट वाले रोड पे आपको अंदर जाना है। जैसे ही इस रोड पे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा आपको दिख जाएगा हमारे जायके की तलाश का पहला मुकाम, ये देखिए, जो है शफीक कुरैशी चिकन विंग्स और ग्रेवी वाले। ये इनके वीडियोस आजकल काफ़ी वायरल है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, जितने भी यूट्यूबर है इंस्टाग्रामर है इनके पास आके वीडियो और रील बना रहे। हमने भी सोचा भाई क्या इनका जायके में है, चलिए देखते। ओहो, ये देखिए, ये बेसिकली चिकन विंग्स और चिकन टिक्का ज़्यादातर बेचते हैं। चिकन टिक्का और चिकन विंग्स दोनों ग्रेवी में बेचते हैं। कैसा इनका जायका होता है, क्या इनके प्राइसेस होते हैं, सब आपको डिटेल में बताएंगे। ये देखिए, 70 रुपये की इनकी चिकन विंग्स है एक सीख, और 60 रुपये का इनका चिकन टिक्का है एक सीख। एक चिकन टिक्के की सीख में 5 पीस है और विंग्स में भी 5 पीस है। साइज़ के हिसाब से तो रेट बहुत वर्थ है, कैसा टेस्ट है वो आपको बताते हैं। ये चिकन विंग्स और टिक्के को पहले तंदूर पे अच्छी तरह भून लेते हैं, सेक लेते हैं, फिर इस तरह की एक बर्तन में उसको वो ग्रेवी के साथ मिक्स करने लगते हैं। इसमें एक दही वाली ग्रेवी है और साथ में मक्खन है, देखिए, और ऊपर से इसमें दही वाली ग्रेवी और डालते हैं। ये डालने के इसको अच्छे से मिक्स करके एक प्लेट में आपके लिए सर्व कर देंगे। बेसिकली आप देखेंगे जो असलम चिकन है जामा मस्जिद पे और दूसरी जगहों पे, उस तरह ये ऊपर से मक्खन भी डाल रहे हैं। स्वाद कैसा है इनका, खाने में क्या टेस्ट है, क्या असलम चिकन से अच्छा है या असलम चिकन से अलग है, ये आपको खा के बताएंगे। देखिए, हमने रुमाली रोटी के साथ इसको ट्राई किया। पहले हमने इनका चिकन टिक्का स्टार्ट करते हैं, ग्रेवी के साथ अच्छे लगा लेते हैं और देखते हैं खाने में कैसा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, स्वाद तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा दही की वजह से खटास है, असलम चिकन जैसा ज़्यादा बटर ही नहीं है, ग्रेवी का एक स्वाद आ रहा है। 70 रुपये के हिसाब से तो बहुत वर्थ है, दूसरी जगह पे काफ़ी महंगा मिलता है, मुझे तो ये अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा साइज़ छोटा है लेकिन आपको दे भी रही है 70 रुपये में, इसलिए चलने जैसा है। देखिए, विंग्स का साइज़ छोटा है, हमने अपने घर के लिए पार्सल लिया कि घर वाले को भी इसका जायका देते हैं। चलिए आगे चलते हैं इस जायके के तलाश में। इनको अलविदा कह के दूसरी दुकान के बढ़ गए। जाकिर नगर में मार्केट में और अंदर की तरफ जाओगे तो और जायके की दुनिया आपको बहुत सारी मिलेगी। उसमें ही एक उम्दा और बेहतरीन जायका जो है वो है आपके जावेद फेमस निहारी का। जावेद फेमस निहारी जो हम पहले से खा रहे हैं, एक छोटी दुकान हुआ करती थी, आज आसपास की जितनी दुकान है सब इन्होंने खरीद ली है और सब में ये अपनी जावेद फेमस निहारी चला रहे हैं। इनके पास जो जायका होता है वो लाजवाब होता है। बहुत सारी जगहों पर मैंने निहारी खाई है लेकिन इन जैसी निहारी मैंने आज तक नहीं चखी। ये देखिए, इनकी रोटी यहाँ पर नीचे भी बन रही है तंदूर की और ये ऊपर भी रोटी बनाते हैं। देखिए, ऊपर भी रोटी का अड्डा लगा हुआ है, यहाँ भी रोटी बन रहा है। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि आपको ये ठंडी रोटी सर्व नहीं करेंगे, गर्मा गर्म रोटी आपको सर्व करते रहेंगे। और ये रोटी के बाद आप जैसे थोड़ा आगे बढ़िएगा तो लेफ्ट साइड में इनका जो मेन देग लगी जिसमें आपको निहारी सर्व करते वो है। ये देखिए, पहले इन्होंने बोटी निकाल ली। देखिए, निहारी में जो मेन चीज़ होती है वो उसके अदले का गोश होता है। अगर आपकी निहारी का अदले का गोश बेहतरीन है तो आपकी निहारी अपने आप ही बेहतरीन हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ जो है इसकी वो इसका गोश्त होता है। उसके बाद देखिए, नीचे ग्रेवी है, ये लगभग हमने इनसे पता किया तो 7 से 8 घंटा इसी तरह बनते रहती है, ये पकते रहती है। उसके बाद ओहो, ये है नली का गुदा। ओहो, ये इस निहारी की जान है।
ऊपर से ये देसी घी डाल देते हैं। ये देसी घी वाली फैमिली पैक थी जिसका प्राइस है 280 रुपीज़ हाफ, 540 रुपीज़ फुल। हमने हाफ ऑर्डर किया था और ये अब हमारे पास सर्व करने ले आएंगे। रश थोड़ा कम था, नॉर्मल आम दिनों में जैसा रश होता है वैसा रश नहीं था, आज थोड़ा रश कम था। ये देखिए हमारी निहारी आ गई, ओहो क्या लाजवाब लग रही, और एक घी का और निहारी का जो खुशबू आ रही, ओह वो लाजवाब है। हमने इसको बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र किया। जो आपको ये दिख रहा है ये रोगन है थोड़ा बहुत, और ज़्यादातर देसी घी है। हमने थोड़ा इस पर नींबू निचोड़ा, मैं उतना मिर्ची के साथ नहीं खाता हूँ, उतना प्रीफर नहीं करता हूँ। आप चाहे तो मिर्ची के साथ आपको साथ में देते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इनकी एक गर्मा गर्म रोटी जो मैंने आपको बताया था, ओह देखिए कैसी बेहतरीन रोटी है, एकदम गर्मा गर्म रोटी है। आपको ठंडी रोटी सर्व ही नहीं करेंगे अगर थोड़ा देंगे। ओहो ये देखिए, ये है निहारी का बेहतरीन गोश्त, जिसकी उम्दा होने की वजह से निहारी में एक डबल हो जाता है। इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो एक निवाला लेते ही मैं इसमें खो गया। इसके जब भी मैं खाता हूँ इसका स्वाद बेहतर से बेहतर होता जाता है और एक नंबर स्वाद रहता है। लोग बोलते हैं इससे भी अच्छी निहारी कल्लू की निहारी है और दूसरी निहारी है, मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं की है, तो मेरे लिए सबसे बेहतर निहारी आज भी जावेद की निहारी है। हमने फिर अपना पार्सल ले लिया कि चलिए घर के लिए भी पार्सल ले लेते हैं, देसी घी वाली फैमिली पैक। और हम अपने घर के लिए अब रवाना हो गए, वापसी की तरफ जा रहे थे। हमारा वीडियो, ये पूरा व्लॉग, ये रास्ते का पूरा सफ़र आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम इस तरह के और वीडियो आपको बना के देते रहें। और अगर आपको कोई वीडियो देखना है खाने के ऊपर या किसी जगह के ऊपर, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।